एंग्जाइटीज मेरे अंदर आ रही है काफी सारी, कैसे होगा, ये होगा, होगा फलाना ढिमकाना। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ माय चैनल एंड एज यू कैन सी मैंने अपना ये हुलिया बना के रखा है। सो बेसिकली यू नो मैं भी आपको बताऊंगी, ये मैंने बहुत पहले खरीदे थे और क्योंकि मैंने अपना जो ड्रेसिंग टेबल है वो डीक्लचरिंग किया तो मुझे ये मिला एंड आई थॉट कि इसको ट्राई करके देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं करता है। अगर वर्क करता होगा तो अभी आपको पता चल जाएगा, बिकॉज ये बहुत ही अफोर्डेबल था। ये मैंने 80 या 90 रुपीज़ में खरीदा था लोकल स्टोर से, ऑनलाइन ये आपको 150 के अंदर आराम से मिल जाता है अगर लोकल स्टोर नहीं है तो 150 भी इज़ नॉट अ वेरी बिग प्राइस, वेरी अफोर्डेबल। और लेट सी, बट हाँ रात में मुझे, मैंने इसको रात भर रख के रखा था एंड रात में मुझे इसको लगा के सोने में बड़ी दिक्कत हो रही, ये चुभ नहीं रहा था बट ऑब्वियसली थोड़ा सॉलिड सॉलिड सा ऐसा लग रहा था सोने में। बाकी मैं पूरे टाइम ऐसे स्ट्रेट मुझे सोना पड़ा है एंड लेट्स सी कि वर्क करता है कि नहीं। ऑलमोस्ट 10 आवर्स हो गए हैं मुझे लगाए हुए, 12 आवर्स हो गए हैं। और आज का प्लान ये है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वो आने वाली है, तो वो इंडिया में तो लैंड हो गई है और काफ़ी दिन पहले इंडिया में आई थिंक लैंड हो गई थी और उसके बाद वो आज मुंबई आ रही है, भोपाल की है। तो मेरे अभी जितने भी आप रिसेंटली फ्रेंड्स देख रहे हैं ना, एवरीवन वाज फ्रॉम भोपाल, तो ऑब्वियसली भोपाल वाले फ्रेंड्स के साथ का कनेक्शन ही कुछ अलग लेवल पे है। और ये सब मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं, पुराने मतलब ऑलमोस्ट 10+ ईयर्स वाले फ्रेंड्स हैं, मतलब 10-11 साल। और ये मेरी वन ऑफ द बेस्टेस्ट फ्रेंड्स होती है ना, वैसे फ्रेंड्स हैं हमारे, बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स एंड मेमोरीज हैं। एंड मैं इससे मिल रही हूँ 4 ईयर्स के बाद, कैन यू इमेजिन दिस, मतलब 4 साल बाद हम लोग मिल रहे हैं फाइनली। सो या आई एम वेरी एक्साइटेड और अब मैं इसको आपको फटाफट से ना ओपन करके दिखाती हूँ कि कैसा रिजल्ट आने वाला है इसका। This is what my hair looks like and this is I think the best way to works really great. Heatless curls का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। मैं इसको ओपन करती हूँ पूरी तरह से और आपको बताती हूँ, इससे ना आपके बाल तो डैमेज नहीं होंगे और आपको बहुत ही ब्यूटीफुल कर्ल्स भी मिल जाएंगे। तो ये आगे के बाल बहुत अच्छे से इसने कर्ल किया है और अब मैं जब रेडी होने वाली रहूँगी तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ। टिल देन बाय। ऑलमोस्ट रेडी, और रेडी मतलब मैंने अभी ड्रेस पहना हुआ है तो ये वाला टॉप मैंने कैरी किया है, दिस इज फ्रॉम स्टॉक बाय लव, आप लोगों ने देखा होगा। जीन्स में मैंने ये वाला बूट का जीन्स पहना है विच इज फ्रॉम ज़ारा, जिसको मैं अभी निकालने वाली हूँ। लिटरली मैंने अभी इस जीन्स को कट किया है नीचे से क्योंकि ये बहुत लॉन्ग थी और लास्ट 6 मंथ से रखी थी, बट वो लेजीनेस होता है ना, कौन पीछे जाए, कौन कटवाए, ये करे वो करे, तो मैंने इसको लिटरली खुद से कट किया है बिकॉज इसके नीचे का जो बॉटम है ना वो ऐसा था, तो मैंने सोचा कि मैं खुद से कट कर लेती हूँ, ये क्या है, तो मैं खुद ही बना सकती हूँ, तो मैंने इतनी कटवट कर दी है। सो आई एम ऑलमोस्ट रेडी, दिस इज माई लुक एंड मैंने फटाक से पोनीटेल बांध दिया है और पैरों में दिखाती हूँ, मैं ये वाले फुटवेयर पहनी हुई हूँ। सो फाइनली मैं अपनी फ्रेंड से मिल चुकी हूँ और हम लोग ऐसे मिले थे कि हम बस मिले और खाना खाने चले गए और हम इतनी बातें कर रहे थे बिकॉज हम लोग आफ्टर 4 ईयर्स मिले हैं, तो अब मैं उससे आपको मिलवाती हूँ। ये है अश्विनी, माई बेस्ट फ्रेंड, और अभी भी हमारी वाइब एकदम सेम है जैसे 11th क्लास में थी। सीरियसली एग्जैक्टली मिले हम 4 ईयर्स के बाद, फिर भी नहीं लग रहा, और हमने इतनी बातें की, इतनी बातें और गॉसिपिंग और सबकी करी, सबकी जितनी हमने हमारी बातें करी और हमने सबकी बातें कर ली, जितना हमको निपटाया था हमने सब बातें कर ली है। और ये पहले ये और हम दोनों ना ऐसे हंसते थे 11th क्लास में, हमारा पूरा ग्रुप था, जो वो स्वाति आपको दिखी थी वो भी हमारे ग्रुप में ही थी, अब मतलब गैंगड अप होके बैठते थे और जो मस्ती करते थे हम लोग, इसलिए किसी का भी IIT में नहीं हुआ, बहुत मस्ती करते थे। और आज मिलकर के बिल्कुल वैसे ही वाली फीलिंग आ रही थी, अभी रात में ही निकल रही है, वैसे भी मेरा प्लान था कि मैं इसको अपने घर लेकर के जाती बट इसकी रात की फ्लाइट है, सो शी इज गोइंग। और ये है मेरी फ्रेंड, ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड, कैसी लगी आपको बताना जरूर। ओके तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में, टिल देन बाय।
और अभी जस्ट मैं आई हूँ, अभी आई हूँ मतलब, और बहुत मज़ा आया. वो निकल गई अपनी एक और फ्रेंड के साथ मिलने के लिए 5 मिनट्स के लिए, और उसके बाद घर निकलेगी बिकॉज 12 बजे की उसकी फ्लाइट है टू न्यूयॉर्क. तो यस, और मैं फटाफट से चेंज करती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ. हाय गाइस, तो मैं ये वाला जो वीडियो है ये शूट कर रही हूँ. मैंने लास्ट वीडियो अपना शूट किया था फ्राइडे, देन सैटरडे, संडे को मैंने कोई शूट नहीं किया, और आज है मंडे. तो आज मैं मंडे को शूट कर रही हूँ. एक्चुअली द थिंग इज कि दिवाली आने वाली है और मेरे पास लिटरली, वो कहते हैं ना जब आपके पास आइडियाज़ का ओवरफ्लो हो जाता है तो भी आप कुछ कर नहीं पाते हो कि मैं कहाँ से वो चीज़ स्टार्ट करूँ. तो राइट नाउ मेरे साथ वही प्रॉब्लम हो गया है. मैंने अपने बोर्ड पे लिटरली लिख करके कम से कम 11 से 12 DIY आइडियाज़ जो है वो लिख के रखे हैं. आइडियाज़ भी बोलूँगी जो मुझे एग्जीक्यूट करने हैं, जो मुझे वीडियो बनाना है, बट क्योंकि लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें साथ में आ गई एकदम से. अभी बस 2 दिन बाद करवा चौथ है, उसके बाद हमको 4-5 दिन बाद निकलना है भोपाल के लिए. एंग्जाइटीज़ मेरे अंदर आ रही है काफ़ी सारी, कैसे होगा, ये होगा, वो होगा, फलाना ढिमकाना. देन टुडे मैंने अपने आप को बोला कि यार जस्ट काम डाउन, क्योंकि ऐसे करने से कुछ भी नहीं हो रहा है, ना नॉर्मल ब्लॉग हो रहा है, ना मेरे DIY प्लान वीडियो वो भी नहीं हो रहे. तो आई थॉट कि जस्ट काम डाउन, अभी जो करवा चौथ आने वाला है उसके लिए मैंने जो पैम्फलेट वगैरह सोचा है मैं जाती हूँ, ये सब करती हूँ, अपना काम करती हूँ, जो होगा देखा जाएगा. जो DIY वीडियो से ज़रूरी नहीं है वो दिवाली वाले नहीं है वैसे, तो आप उसको दिवाली के बाद भी यू नो कर सकते हैं. तो अगर ऐसा होता है तो मैं दिवाली के बाद वो शेयर करूंगी. तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी. उसके बाद अभी आपको मेरे रूम में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे. तो डू नॉट आस्क मी द क्वेश्चंस, ये क्या हुआ, ये वो फलाना ढिमकाना. वीडियो इज कमिंग रियली रियली सून. तो आज मैं आपको बताती हूँ दिवाली पे मेन जो चीज़ें आई हैं मेरे पास. दिवाली गिफ्ट आप बोल सकते हो या दिवाली शॉपिंग आप बोल सकते हो, जो भी आप बोलो. मैंने शॉपिंग नहीं करी, मुझे आया है ये. तो टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू दीज प्रोडक्ट्स. मैं इसको देखने वाली हूँ. ऑलरेडी मैं ओपन करके 2-3 बार यूज़ कर चुकी हूँ, बट क्योंकि मेरे घर में अभी इतना सारा मैसी हो चुका है, मतलब मैं उस तरफ का एरिया आपको दिखा भी नहीं सकती हूँ, इतना मैसी हो रखा है वॉल्स वगैरह सब कुछ. तो इतना मैसी हो रखा है कि यू नो, मैं जो सामान जहाँ पे आ रहा है वो बॉक्सेस तक को नहीं फेंक रही हूँ, क्योंकि सामान इतना निकल रहा है तो वो उन्हीं बॉक्सेस में बाहर जाता है. सो ब्ला ब्ला ब्ला. तो मुझे रिसेंटली आई थिंक 10 डेज हो गए हैं, 10 डेज पहले अगारो वालों ने 2 प्रोडक्ट्स भेजे हैं, घर के प्रोडक्ट्स हैं ये. तो उन्होंने मेरे को यूज़ करने के लिए दिए हैं. मैं इस प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली, क्योंकि मेरे घर में इतना क्लीनिंग का काम चल रहा है, तो आई एम कंटिन्यूसली यूजिंग दिस प्रोडक्ट. अगारो का वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर. एज यू ऑल नो, मेरे घर में ऑलरेडी एक वैक्यूम क्लीनर है बहुत हैंडी सा, जिसको मैं यूज़ करती हूँ. और जब वो रिव्यू भी मैंने बनाया था तो आई क्लियरली मैंशन दिस इन माई वीडियो एज वेल, कि ये जो वैक्यूम क्लीनर है ये छोटे मोटे काम करने के लिए, और यू नो, आपका घर अगर छोटा है, 1 BHK टाइप का घर है, तो आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हो. तो मेरी मम्मी, मेरे घर पे वैक्यूम क्लीनर नहीं है, 100 वॉट्स का है, ठीक है. 800 वॉट्स में वो काम डिसेंटली करता है, ऐसा नहीं बोलूँगी मैं कि वो अच्छा काम नहीं करता है. मैं उसको अभी भी यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छे से वो काम कर रहा है, सब कुछ. आई एम वेरी हैप्पी विद दैट वैक्यूम क्लीनर एज वेल. बट अगर आप बहुत यू नो, आपका घर बड़ा है ना, 2 से 3 BHK का अगर आपका घर है, और आपको यू नो एक्सट्रीम पावर सक्शन की ज़रूरत है, देन वो थोड़ा सा फेल हो जाता है वो काम करने में. तो अभी हम इस वैक्यूम क्लीनर की बात करते हैं कि मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ. ऑलरेडी मैं इसको ओपन कर चुकी हूँ. तो इसका एक तो ये मेन अटैचमेंट है वैक्यूम क्लीनर का, तो एक स्टील रॉड आई है जो कि बहुत ही स्टर्डी है और क्वालिटी में बहुत अच्छी है. और इस तरह से आप इसका साइज यू नो कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो इतना इसका साइज हो जाता है. मैं इसकी सारी चीज़ें एज इट इज़ इसलिए रखी हुई हूँ क्योंकि मुझे ऑब्वियसली ट्रैवल करना है और मुझे इसको लेकर के जाना है. तो डेफिनेटली जैसे ये पैक होके आया था वैसे ही पैक करके मैंने रखा हुआ, और अभी भी मैं इसको वैसे ही पैक करके वापस रख दूँगी. तो सो दिस इज़ बेसिकली, दिस अटैचमेंट इज़ फॉर वेट फ्लोर. तो अगर आपका फ्लोर वेट है तो ये वेट पे भी काम करेगा. फ्लोर एंड कारपेट क्लीनर. तो अगर आप इसको यहाँ से ऐसे कर देंगे तो ये आपका, ये आप देख सकते हो इसमें डस्ट. कैन यू सी द डस्ट? तो मैंने इससे अपना कारपेट क्लीन करके देखा था, एंड ट्रस्ट मी, क्योंकि ये बड़ा है यू नो, बड़े साइज में है, तो ऑब्वियसली बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा था, तो इससे बहुत ईजिली मेरा जो कारपेट है वो क्लीन हो गया था. सो दिस इज़ द मेन बॉडी ऑफ द वैक्यूम क्लीनर. मैं आपको इसको एकदम पास से दिखा रही हूँ. ये वाला जो सेक्शन है दिस इज़ फॉर ब्लोअर, ये ब्लोइंग का काम करता है. बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपको ब्लोअर का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे बैल्कनीज होती हैं, छत होती है, जिनके बड़े बड़े घर होते हैं, आप हर जगह सक नहीं कर सकते, तो ये ब्लोअर का काम करता है, जो सक्शन का काम करता है, जिसमें आप मेन पाइप लगाओगे. एंड दिस इज़ अ स्विच. तो इसमें नीचे व्हील्स दिए हुए हैं जो कि बहुत ईजिली आपके बहुत लाइट वेट है और बहुत ही ईजिली चलता है. देन आते हैं इस पार्ट पे. तो ये आप ओपन करेंगे ये, और ये यहाँ से इस तरह से उठेगा.
दिस इज ऑल डस्ट. ये डस्ट है, ये मैंने जो लास्ट टाइम क्लीनिंग करी थी उसकी पूरी ये डस्ट इसमें कलेक्ट हो गई है. ये वाला जो पॉइंट है ये इसके अंदर जाएगा. ये 1600 वॉट्स पे काम करता है. कि पावर कॉर्ड केबल इज 5 मीटर लॉन्ग. जनरली जो आइडियल वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं उसमें 3 मीटर से 4 मीटर तक की होती है, इसकी 5 मीटर लॉन्ग है. नेक्स्ट है इसके जो टैंक की कैपेसिटी है वो 21 लीटर्स है. बट अबाउट दिस टैंक इज ये स्टील का होके भी बहुत हल्का है. इसका जो MRP है वो है 9999, बट आपको डिस्काउंट भी ये काफ़ी अच्छे रेंज में मिलता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10,000 का है. आज ही मैं अमेजन पे चेक कर रही थी लाइटनिंग डील ऑफ द डे, मतलब आज जिसके दिन मैं वीडियो बना रही हूँ मैं भी अमेजन पे इसका चेक कर रही थी, रिव्यूज चेक कर रही थी. तो इसका आज का प्राइस है 4900 and something, सो विच इज अ डील. 5000 रुपये में इस तरह का वैक्यूम क्लीनर इज लिटरली अ डील. मैंने जो वैक्यूम क्लीनर खरीदा था 800 वॉट का, वो 3500 का था, 3600 कुछ का था. और उसके बाद आप 1500 रुपये देकर 1600 वॉट का इतना शानदार वैक्यूम क्लीनर अगर आपको मिल रहा है तो इट्स लिटरली अ डील. और आई थिंक इसको देख करके मेरी मॉम तो बहुत ज़्यादा खुश होने वाली है. ओके नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस वन. ये भी एक वैक्यूम क्लीनर है और जिसका नाम है हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर. सो दिस इज वेरी छोटा सा, टाइनी सा एंड वेरी क्यूट सा वैक्यूम क्लीनर. सो यू नो इफ यू आर लिविंग इन अ स्मॉल अपार्टमेंट, इफ यू आर लिविंग इन अ 1 BHK और 1 RK अपार्टमेंट इन मुंबई, एंड इफ यू आर होस्टलाइज्ड और आपको कुछ क्लीन करने के लिए चाहिए, और इफ यू वांट समथिंग फॉर योर कार क्लीनिंग, इफ यू हैव 1 or 2 cars एंड आपको लगता है कार क्लीनिंग के लिए हमको कोई छोटा सा वैक्यूम क्लीनर चाहिए, गो फॉर दिस वन. दिस इज वेरी वेरी टाइनी एंड वेरी हैंडी एज वेल एट द सेम टाइम. और इसके अटैचमेंट मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहला अटैचमेंट जो मुझे इसका दिखा है, एक तो ये है दिस ब्रश. अटैचमेंट इज दिस नोजल. आप इवन इसको अपने घर में भी यूज कर सकते हैं. सो दिस इज द मेन वैक्यूम क्लीनर. काफी छोटा सा है, टाइनी सा है और ये यहाँ से क्लीन होता है. ये ओपन भी हो गया. ये अटैच करना है एंड देन यू कैन ईदर डायरेक्टली अटैच दिस वन. आप डायरेक्टली ऐसे अटैच करके कर सकते हो. और सो यू नो इफ यू वॉन्ट टू गिफ्ट इट टू समवन एज वेल, आप इसको गिफ्ट कर सकते हो. जैसे कि दिवाली आ रही है. एक्चुअल प्राइस है 2000 रुपीज एंड आई एम श्योर आफ्टर डिस्काउंट ये काफी अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएगा. सो आई वुड से दिस वन इज रियली क्यूट, डज दिस जॉब रियली क्यूटली. तो मैं इसको शायद कार क्लीनिंग के पर्पज से रख सकती हूँ. इफ यू वॉन्ट समथिंग छोटा सा फॉर अ स्मॉल अपार्टमेंट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन, बट इफ यू हैव अ बिग अपार्टमेंट देन गो फॉर दैट वेट एंड ड्राई वाला वैक्यूम क्लीनर. दिवाली क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है और वैसे भी इन जनरल हमको हमारे घर को क्लीन रखना होता है तो उसके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है. और वीडियो खत्म करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट मीशो. इफ यू आर न्यू टू माय चैनल एंड वाचिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं आपको बता देती हूँ मीशो क्या है. तो मीशो बेसिकली इंडियाज का लार्जेस्ट रीसेलिंग ऐप है, ऑनलाइन रीसेलिंग ऐप है. तो आपको इसमें करना कुछ नहीं है. अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे दिवाली आने वाली है, फेस्टिव सीजन आने वाला है, तो यू नो आपको थोड़ी सी अगर एक्स्ट्रा इनकम चाहिए फॉर योर एक्स्ट्रा शॉपिंग, सो यू कैन डेफिनेटली यू नो डाउनलोड इट. मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, आप उस लिंक पे क्लिक करिएगा, उस ऐप को डाउनलोड करिएगा. उस ऐप को डाउनलोड करते ही आपको एक छोटा सा अमाउंट मिलता है 25 to 45 rupees तक का. वो चेंज होता रहता है, आई एम नॉट श्योर वो कितना होता है. सो यू नो वो आपको अमाउंट मिलेगा एंड देन आपको बहुत सारा कलेक्शन देखने को मिलेगा. तो आप आराम से आधा घंटा पूरा कलेक्शन को सर्च आउट करिए, एक्सप्लोर करिए कि क्या क्या चीज़ें उसमें अवेलेबल है. जो चीज़ भी आपको पसंद आती है, आप जो भी प्रोडक्ट्स आप सेल करना चाहते हैं, जो भी वेरिएंट आप सेल करना चाहते हैं, वो आप बस सिलेक्ट करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए. अगर आपकी शेयर की हुई लिंक के थ्रू आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर वालों ने शॉपिंग करी है तो उसका प्रोडक्ट का मार्जिन जो है वो आपको मिलेगा. डिटेल वीडियो देखने के लिए मैं और भी इसके ऑलरेडी वीडियोज बना चुकी हूँ, आप वो चेक कर सकते हैं. और घर बैठ के पैसे कमाने का बहुत ही आसान तरीका है. आई हाईली रेकमेंड यू कि आप एक बार डाउनलोड करके ट्राई जरूर करें 1 month के लिए. थोड़ा सा 3-4 दिन आपको समझने में प्रॉब्लम होगा, बट यू विल लव इट. सो दैट्स इट फॉर माय वीडियो. आई होप यू लाइक माय वीडियो. इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. और इसके बाद के जो नेक्स्ट व्लॉग्स हैं वो देखना मत भूलिएगा. टिल देन बाय.